इंडिया के हम सब अफगानिस्तान के जलालाबाद के हम पांच कर गए। अच्छा, वो ये अपना बाकी कहाँ के हैं? पक्तिया, ये पक्तिया का, ये लोगर का है, और हम बाकी ये खोख है। तो आपने उर्दू कहाँ सीखी? हमारे साथ हम जिमाम भी कोच थे, राशिद लतीफ भी थे, कबीर खान भी थे। अच्छा। अभी तो हमारे इंडियन कोच थे, तकरीबन 15 साल से हमारे। अच्छा, माशाल्लाह आपकी टीम ने बड़ी तरक्की की है। बस दुआओं पे चलते हैं सारा। पाकिस्तान वाले भी यही बात कर रहे थे, हम जाके दुआ में चलते हैं। दुआ के बगैर तो कुछ नहीं है। तो अभी आप दोबारा मैच है कोई? हमारा लीग चल रहा है सर, अभी परसों से हमारा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है यहाँ शारजा में। शारजा में, अच्छा अच्छा। तो उसके लिए अभी हम एयरपोर्ट से आए हैं, बस अनस भाई जी ने आए थे सीधे एयरपोर्ट में। अच्छा। बैग हमने गाड़ी में भेज दिए। अच्छा। होटल हमने काम कर। आपकी टीम में? नहीं नहीं, टीम में नहीं, लीग में। अब यहाँ रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। अच्छा, ये कौन है? आपकी टीम ने माशाल्लाह जगह बनाई है, बहुत मेहनत। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला आपको चैंपियन बनाए। आपस में कोई किसी के साथ बाई कार्ड न हो तो टीम होती है। मैं इनसे नहीं बोलता या आपसे नहीं बोलता तो इसे टीम नहीं कहते। टीम वर्क तब बनता है कि कभी कोई सख्त बोल बोला जाए तो फिर उसको फौरन क्लियर करके अपने ग्रुप को साफ कर। इससे इंशाल्लाह आपकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। लीग हो रहे हैं हमारे, दुनिया से प्लेयर आ रहे हैं। अच्छा 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 बाकी वेस्ट इंडीज और इधर उधर साउथ अफ्रीका सब लोग हमारे सारे आप करते हैं, हम सारे सुनते हैं। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि बस हम बाहर जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, आके पता नहीं फिर दिमाग चेंज। बस आप रूम से निकलो ही नहीं। हम लोग करते हैं ना, तो इनको पता है लाखों लोग तो नहीं, लेकिन वो तो ज्यादा हो जाएगा कि ये 10-15 हज़ार, 10-2 हज़ार, 5 हज़ार, ये तो कहीं में भी हमें इकट्ठे हो जाते हैं हमें देखने के लिए तस्वीर। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इतना हमें समझो कि हम इनको बोलेंगे यार तबलीग करो, ये करो, कि हमारे बाद में भी ऐसा रहे, हमारे साथ गोरे मिलते हैं, फिर हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो वो हमें बोलते कि पहले अपने आप को ठीक करो, फिर हम आपके उसमें आएंगे। तो हम कहते हैं कि हम इतना सीखे कि हम लोगों को समझा सकें बाहर। हम अक्सर हमारा अफगानिस्तान में तो क्रिकेट होता नहीं, इंडिया में हमारा बहस होते हैं, आयरलैंड में होते हैं, स्कॉटलैंड में, इन मुल्कों में ज़्यादा जाती है। अपनी लैंग्वेज पश्तो है, वो नहीं था उसमें कि आपने किस लिए ये बात की थी, क्यों बताया था। तो लोग बहुत नाराज हो गए थे, फिर वो सोशल मीडिया पे बहुत लड़ाई है। मैं तो वो घर की दिमाग में आ जाएगी क्या नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हम हमारी जिंदगी तो आपको पता है, जैसे जो नए जमशेद साहब थे वो भी ऐसे, हमारे लड़के भी ज्यादातर बाहर होते तो हमारी दुनिया भी मस्त होती है ना। तो अपने आप को कंट्रोल या कैसे बचाए ना, सारे जवान भी हो। माशाल्लाह आपके पठानों में नमाज तो तकरीबन 90% लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारे पंजाब में 10। जब कभी ख़ता हो फौरन तौबा करें और फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो ज़ीरो हो जाएगी, जीरो के आसमान की छत तक ले जाओ। कौन करेगा? सारी दुनिया मिलकर करे तो भी नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला एक, तो जब
ہم سب خطاوار ہیں، جب کبھی خطا ہو فوراً اللہ سے معافی مانگ، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما. اور انسان فرائض کے بعد جو سب سے خوبصورت چیز ہے، جو آپ کو زندگی وجود کا جو میک اپ ہے، وہ اچھے اخلاق کی. اس کی کوشش ہو. میں سب کو یہ ایک نصیحت کرتا ہوں، دل پہ کرو. اچھے اخلاق کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ زبان سے شروع ہوتے ہیں. کیا میری آپ کی زبان کا بول اچھا ہو؟ گالی، غیبت، برائی، کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ زبان سے نکال دیں. پھر آپ کی، جب آپ کی جو گھر کی زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی. بیوی ہوگی تو وہ آپ کو دعا دے گی، بچے ہوں گے وہ آپ کو دعا دیں گے، ماں باپ ہوں گے وہ آپ کو دعا دیں گے. جس آدمی کی زبان غلط چل جائے، نہ اللہ اس کا نہ بندے اس کا. جس کی زبان اچھی ہو، اللہ بھی اس کا، بندے بھی اس کے. انسان سب سے زیادہ عزت کا ساری زندگی نفع اٹھائیں گے اور موت پر بھی اٹھائیں گے. یہ مختصر نصیحت ہے. اور تبلیغ میں وقت دیا کریں، اس سے آپ کو انشاء اللہ بہت فائدہ.